यूपी के गाजियाबाद में उस समय अजीब सा मामला देखने को मिला, जब घर से राशन लेने निकला युवक घर पर दुल्हन लेकर लौटा। अचानक दुल्हन को दरवाजे पर देखकर लड़के के परिजनों के होश उड़ गए और घर पर हंगामा शुरू हो गया और लड़के की मां ने बेटे और बहू को घर में घुसने से रोक दिया, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा, जहां पुलिस के लिए भी इसे सुलझाना टेढ़ी खीर साबित हुआ। लड़के की मां के न मानने पर पुलिस ने दुल्हा और दुल्हन को अलग किराए के कमरे में रहने के लिए बोल दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान एक युवक सब्जी और राशन लेने के लिए घर से बाजार को निकला, लेकिन जब वह घर वापस लौटा तो राशन की जगह सात दुल्हन थी। शादी का यह अजीब मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का है। गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद इलाके में लॉकडाउन में अचानक दुल्हन के घर आने पर युवक की मां के होश उड़ गए। दरअसल बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाकर ले आया था। नाराज लड़के की मां ने दुल्हन को अपने घर में आने से रोक दिया। इसके बाद पूरा मामला थाने पहुंच गया। दुल्हन के लिबास में लड़की और उसके साथ लड़का दोनों थाने में मौजूद थे। वहां पर लड़के की मां भी आई और खुले शब्दों में कह दिया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले बेटे को घर में नहीं घुसने देगी। बेटा राशन लेने गया था और लड़की ब्याह कर ले आया है। लड़के की मां के राजी न होने के बाद पुलिस ने दुल्हा और दुल्हन को अलग किराए के मकान में रहने के लिए बोल दिया। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान घर के बाहर निकले इस युवक के यूं अचानक दुल्हन लेकर घर पहुंचने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया। शादी करके आया जोड़ा साहिबाबाद के श्याम पार्क इलाके में रहने वाला है। लड़के की मां का कहना है शादी हुई भी है या नहीं इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन लड़का मंदिर में शादी की बात कह रहा है। पूरा मामला जहां लोगों के लिए आश्चर्य था, वहीं पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। शादी कहीं लाया है, मैं अंदर नहीं घुसने दे रही, और ना चलना एक दो महीने से मैं बाहर नहीं निकली, आग निकल गया। तो निकलने दिया जाता है, शांत भी होगा तो शांत कैसे रहेंगे। हाँ फिर ये दो महीने से घर नहीं था, रोज रह रहा है, ये जाता जा रहा है, राशन लेने जा रहा हूँ, मैं अलग बनाऊंगा। तो शादी का आपको इसने बताया? इसने पता, ये जा रहा है, बहू कह रही है, ये देख रहे हैं ऊपर से खाना, इनके आने से आधे घंटे पहले खबर मिल चुकी थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर खबर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।